गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से पैसे कमाने के एक ऐसे तरीके के बारे में जिसकी डिमांड आज के टाइम में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा लोग उसी के थ्रू शेयर मार्केट से पैसे कमा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर आप अपने 1000 रुपए को 1 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर 1 गुना 2 गुना नहीं 100 गुना तक के रिटर्न्स मिलते हैं अगर मार्केट आपको फेवर कर जाए तो। बट ये इतना आसान भी नहीं है, काफी ज्यादा रिस्की होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने पैसे गंवा देते हैं। और क्यों गंवा देते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग बिना नॉलेज के, बिना मार्केट को समझे यहाँ पर अंधाधुंध पैसे लगा बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है और फिर वो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि ये मार्केट गैम्बलिंग है, स्कैम है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो अगर आप भी एकदम बिगिनर हो और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे आपको ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेने से पहले कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं, सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर करी है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड मेक श्योर दैट वीडियो को स्किप ना करना, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो इस वजह से वीडियो को कंप्लीटली देखना जरूरी है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंतर्गत हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं जिनका कि हमें कुछ प्रीमियम पे करना होता है। जिस डायरेक्शन का हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है तो हमारा जो प्रीमियम होता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और अगर मार्केट अगेंस्ट जाता है तो हमारे प्रीमियम की वैल्यू घटती जाती है। अब ऑप्शन के बेसिक्स क्या है उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं कि कैसे हम कॉल या पुट को बाय करते हैं, कॉल पुट क्या होता है। अब मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं यहां पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे। इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिन पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, बट एंजल वन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ब्रोकर आई हैव एवर यूज्ड। मैं पिछले 1 साल से एंजल वन के प्लेटफॉर्म पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, यहां पर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ ही साथ इनका प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। अगर आप एक बिगिनर हो तो एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा। तो अगर आपके पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंजल वन का, वहां से जाके आप साइन अप कर सकते हो। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं कैसे हमें यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो यहां पे गाइस मैं आ चुका हूं एंजल वन के होम पेज पर। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए या फिर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको सबसे पहले अपने ट्रेडिंग वॉलेट में पैसे ऐड करने होते हैं। तो आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऊपर ही ट्रेडिंग बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पैसे ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 12,000 रुपीज एडेड है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 5,000 से 6,000 रुपए तो ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऐड फंड्स का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पे क्लिक करके आप अपने गूगल पे, फोन पे, जो भी आपने पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर रखा है उसके थ्रू पैसे ऐड कर सकते हो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चूज करना है कि आप स्टॉक्स में करना चाहते हो या फिर इंडाइसेस में करना चाहते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने टाटा मोटर्स का 650 का सीई यहाँ पर सर्च किया था। और यहाँ पे आप ऑप्शन चेन पे भी जा सकते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक के, जहां पे आपको उसका स्ट्राइक प्राइस, उसके प्रीमियम के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप इनके कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हो। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट थोड़ा सा वेट करो, अभी आपको समझ आएगा। इसके अलावा मैक्सिमम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो यहां पे आप ऐड कर सकते हो अपने होम पेज पर। आप देख सकते हो यहां पे निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। आप किन्हीं 2 इंडाइसेस को अपने होम पेज पर ऐड कर सकते हो, तो यहां पर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऐड कर रखा है। तो थ्योरेटिकल समझाने से बेटर है कि मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रेड लेकर दिखाऊं, आपको ज्यादा चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। तो यहां पर मैं आपको निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। यहां पे आप देख सकते हो होम पेज पर ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपको दोनों का प्राइस देखने को मिल रहा है। निफ्टी का करंट प्राइस है 19,530 रुपीज और बैंक निफ्टी का प्राइस है 44,380 रुपीज। अब मान लीजिए आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस निफ्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप बैंक निफ्टी में करना चाहते हो तो उसका भी प्रोसेस सेम है। अब जैसे ही आप निफ्टी पे क्लिक करोगे, आपके सामने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी जो कि निफ्टी के अंदर है। इसके बाद यहां पे आपको नीचे चार्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको निफ्टी का चार्ट देखने को मिल जाएगा। यहां पे जाके आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि निफ्टी का प्राइस किधर मूव होने वाला है, उसी अकॉर्डिंग आप कॉल या पुट ऑप्शन बाय करोगे। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल या पुट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा,
तब आपको कॉल ऑप्शन खरीदना होता है। कॉल ऑप्शन में मार्केट ऊपर जाता है तब आपका फायदा होता है। वहीं पर अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा और डाउन ट्रेंड में अगर आपको पैसे बनाने हैं, मार्केट गिरते हुए पैसे बनाने हैं, तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है। यहां पे आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पे आपको कॉल एंड पुट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। टॉप पे आपको एक्सपायरी डेट्स भी मिल जाती हैं। जैसे आज 3 अक्टूबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और 5 अक्टूबर के सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। 12 अक्टूबर की एक्सपायरी के हैं, 19 अक्टूबर की एक्सपायरी के हैं। अब एक्सपायरी डेट क्या होती है? जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे वो उस पर्टिकुलर डेट को एक्सपायर हो जाएगा। जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हो तो उसका जो प्रीमियम होता है उसमें उसकी टाइम वैल्यू होती है, उसमें उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, और एक्सपायरी डे के अंदर टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अब हम इस ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डेटा दिया हुआ है, क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे मिडिल में दिख रहा होगा मार्केट का करंट प्राइस, यानी 19,533 रुपीज़। अब लेफ्ट साइड में हमारे सारे कॉल ऑप्शंस हैं, राइट साइड में हमारे सारे पुट ऑप्शंस हैं। अब आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप इन कॉल ऑप्शंस को बाय करोगे, और अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप इस राइट साइड वाले पुट ऑप्शंस को बाय करोगे। अब जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस है 19,537 और आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस 19,600 जा सकता है, तो आप इन कॉल ऑप्शंस में से किसी को भी बाय कर सकते हो। बट हमेशा रिकमेंड ये किया जाता है कि आप इन द मनी ऑप्शन बाय करो। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ये भी तीन तरीके के होते हैं, एक होता है इन द मनी, एक होता है आउट द मनी, एक होता है एट द मनी। जैसे अभी 19,538 रुपए मार्केट का प्राइस है और आप कॉल ऑप्शन लेने जा रहे हो, तो 19,538 के अंदर के जो भी कॉल ऑप्शंस हैं वो सारे इन द मनी होंगे, मतलब वो प्राइस मार्केट टच ऑलरेडी कर चुका है। एंड 19,550 के ऊपर के जो भी प्रीमियम है या फिर स्ट्राइक प्राइजेस है वो सारे आउट द मनी है, क्योंकि वो अभी मार्केट को अचीव करने बाकी हैं कॉल ऑप्शन के लिए। और पुट ऑप्शन के लिए इसके अगेंस्ट होता है। जैसे 19,538 रुपए अभी इसका स्ट्राइक प्राइस है, तो 19,540 के ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो सारे इन द मनी होंगे, और इसके अंदर के जो प्राइसेस होंगे वो आउट द मनी होंगे, क्योंकि पुट ऑप्शन अगेंस्ट काम करता है कॉल ऑप्शन के। यहाँ पर जैसे मैंने चार्ट देखा और यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक मिनट की कैंडल में बहुत अच्छा मूव आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। कैसे बाय करना है चलिए मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। तो मैं करंट प्राइस के एकदम क्लोज वाला ऑप्शन बाय कर लेता हूँ जो कि इन द मनी है 19,500 स्ट्राइक प्राइस का, जिसका कि प्रीमियम 87 रुपीज का अभी चल रहा है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, बाय वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉट्स में बाइंग करनी होती है, मतलब आप एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। जैसे इस ऑप्शन का प्राइस अभी 85 रुपीज है और आप चाहो कि नहीं मैं 10-15 खरीद लूं अपने हिसाब से, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अब ऊपर आप देख सकते हो निफ्टी 5 अक्टूबर 2023 इसकी एक्सपायरी डेट है, 19,500 का एक कॉल ऑप्शन है जिसमें हम ये ट्रेड लेना चाह रहे हैं, और इसका जो करेंट प्राइस है वो हमारे सामने दिखा रहा है 86 रुपीज। हम इसको बाय करेंगे अगर मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, तो इस जो प्रीमियम है 87 रुपीज अभी चल रहा है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हमारी वैल्यू घटेगी, यानी हमारा लॉस होगा क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको यहां पर लॉट्स में बाइंग करनी होती है, आप एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। जैसे अभी इस पर्टिकुलर ऑप्शन का प्राइस 85 रुपीज है, आप चाहो कि हम 10-15 क्वांटिटी खरीद ले, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको यहां पे एक लॉट खरीदना होगा, मिनिमम एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, ऐसे आपको बाइंग करनी होगी, और एक लॉट का साइज है 50 रुपीज, मतलब आपको अगर एक लॉट आप लेना चाहते हो तो 50 × 85 रुपीज आपको जो टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड होगा वो 4400 रुपए रिक्वायर्ड होगा। इससे कम में आप बाइंग नहीं कर सकते। अगर आपको और ज्यादा लॉट्स लेने हैं तो आप 2-3 ऐसे मल्टीप्लाई करके ही बाय कर सकते हो। तो यहां पर मैं एक लॉट यहां पे एंटर कर देता हूं। अब आप चाहो तो यहां पे लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। जैसे अभी मार्केट का प्राइस है 84 रुपीज, आप चाहते हो जब 80 रुपीज जाए तब हमारी बाइंग हो तो आप वो भी लगा सकते हो, या फिर आप मार्केट रेट पे इंस्टेंटली बाय कर सकते हो। मुझे आपको यहां पर अभी लाइव करके दिखाना है इसलिए मैं मार्केट रेट पे इसको बाय करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पे मैंने मार्केट सेलेक्ट करा, टोटल आपका जो मार्जिन लग रहा होगा इस एक लॉट को बाय करने के लिए वो यहां पे आपको दिख जाएगा 4,345 रुपए। प्लेस बाय ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने मार्केट रेट पे खरीदा है। तो यहाँ पे हम पोजीशंस में आएंगे तो आप देख सकते हो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, 19,500 का कॉल ऑप्शन हमने लिया है, और जो हमारा बाइंग प्राइस है वो नीचे दिखा रहा है 85.40 रुपीस। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा यानी निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा हमारे इस प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे LTP में दिखा रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये हमारे प्रीमियम का प्राइस है जो कि घटेगा बढ़ेगा
ऑन द बिहाफ ऑफ मार्केट की मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इस पर क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन का भी चार्ट देख सकते हो कि ये चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाय द वे इस चार्ट को देख के कभी आपको ट्रेड वगैरह नहीं लेनी, आपको हमेशा निफ्टी वाला चार्ट देखना है अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि निफ्टी के मूव के हिसाब से ही आपका प्रीमियम मूव करेगा। फिलहाल इस तरीके से आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके आपको स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि मैक्सिमम मुझे इतना ही लॉस लेना है। तो ये तो हो गई कॉल ऑप्शन की बात कि कैसे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब मैं आपको बताता हूँ पुट ऑप्शन कैसे बाय कर सकते हैं, उसका भी सेम प्रोसेस है। अभी जैसे मार्केट का प्राइस है 19,528 और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, 19,500 जा सकता है या फिर 450 जा सकता है या 400 जा सकता है, तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो ऐसी कंडीशन में। अब पुट ऑप्शन के लिए आपको राइट साइड में सारे कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं स्ट्राइक प्राइस के साथ उनका प्रीमियम का प्राइस। अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो जितने पास के कॉल ऑप्शंस हैं उनका जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 19,550 का ये पुट ऑप्शन है, ये 75 रुपीज़ का है, बट अगर हम 19,350 का देखें या फिर 300 का देखें या फिर 250 का देखें, 5 रुपये 3 रुपये प्रीमियम प्राइस है। तो बिगिनर्स क्या करते हैं कि शुरुआत में वो बहुत कम फंड लेके आते हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर लेते हैं जिनका प्रीमियम का प्राइस बहुत कम होता है और बहुत कम रुपए में वो कई सारे लॉट्स खरीद लेते हैं। बट जितना ज़्यादा दूर का आप ऑप्शन लोगे ना उतना कम प्रीमियम आपका बढ़ेगा, मार्केट चाहे जिधर मूव करे, और टाइम वैल्यू घटेगी तो आपका लॉस होता जाएगा। इस वजह से ज़्यादा दूर का कॉल ऑप्शन आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए, आपको हमेशा करेंट मार्केट प्राइस के आसपास का ही कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। जैसे अभी करंट प्राइस है 19,527 और मुझे लग रहा है मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है, तो मैं इसका इन द मनी ऑप्शन खरीद लूंगा जो भी नियर बाय होगा। तो इन द मनी पुट ऑप्शन के लिए हमारा यहाँ पे होगा 19,525, जिसका कि करंट प्रीमियम चल रहा है 73 रुपीज़ का। इस पर हम क्लिक करेंगे, बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ लॉट्स आप एक एंटर कर दो और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन आपको चाहिए 3,672 रुपीज़। 50 का लॉट होता है तो सिंपल सा आपने प्रीमियम को आप अपने 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा। प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करना है, जैसे ही आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी मार्केट नीचे आएगा, आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। एंड यहाँ पर हम पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है मार्केट जब नीचे गिरेगा तब हमारा फ़ायदा होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है मतलब हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमारा लॉस होगा, यानी हमें प्रीमियम की वैल्यू घटती जाएगी। फिलहाल इस ऑर्डर को मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस सेम है, आप प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करोगे पोजीशंस में आ जाएगा, आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अभी मेरा जैसे प्रॉफिट या लॉस कुछ खास नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ट्रेड ली थी, ना कि मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके ली थी। तो अभी इस ट्रेड को मैं यहाँ पे पड़े रहने देता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा क्या इसका चल रहा है और मैं एग्जिट कर लूंगा। तो देखा गाइस कितना आसान है एंजल वन के ऐप पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना, मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो एक बार में समझ में नहीं आता है, आपको और वीडियोस देखनी होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और वीडियोस बना दूंगा इस टॉपिक पे। बाकी यार ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो मेरा आपको सजेशन है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसे मत डालना, एकदम छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करो, सीखो, समझो मार्केट को, मार्केट काम कैसे करता है, कैसे पैसे बनते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये सारी चीज़ें आप जब अच्छे से समझ जाओ तभी आप अपना इंपॉर्टेंट पैसा मार्केट में डालना, तभी आप उसे प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आप बिना नॉलेज लिए बिना मार्केट को समझे ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप अपना पैसा डुबा बैठोगे, तो वो आपको नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा लो, ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।